हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, फाइटर को लेकर जितनी भी नेगेटिविटी चल रही है सोशल मीडिया पर, उसके बावजूद इस वक्त पर एक बहुत बड़ा नंबर बॉक्स ऑफिस पर फाइटर जो है ये कर चुकी है, उस नंबर को क्रॉस कर चुकी है। क्या नंबर आया है सब कुछ बताती हूँ, और अगला टारगेट क्या है अब फाइटर का इस वक्त पर बॉक्स ऑफिस पर क्या कुछ चल रहा है, बुक माई शो क्या कुछ कैसा चल रहा है। देखो, एक दो दिन की बात और है, उसके बाद फिर से जैसे वीकेंड आएगा हम एक जंप देखेंगे फाइटर में। लेकिन इस वक्त पे नंबर क्या आया है वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस का, वो मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक जरूर देख लेना, चैनल कर लो सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर्स की, क्योंकि जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा नैरेटिव जो है वो नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, और कई चीजें हैं जो बोली जा रही है इस फिल्म को लेकर के। लेकिन बॉक्स ऑफिस की कहानी जो है ये बिल्कुल ही डिफरेंट चल रही है। बॉक्स ऑफिस पर जो इसका परफॉर्मेंस है वो उतना, मतलब आप कह सकते हो कि इतना भी ज्यादा नेगेटिव नहीं है और इतना भी ज्यादा चिंताजनक नहीं है जितनी की बातचीत चल रही है कि भाई इंडिया में जो है नंबर ऐसा नहीं आया, अभी तक वैसा नहीं आया। लेकिन अगर हम देखते हैं वर्ल्ड वाइड की तरफ, तो वर्ल्ड वाइड में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस जो है ये ऑलरेडी चल रही है। तो यार, जैसे हम लोग कह ही रहे हैं कि फाइटर को लेकर के एक मिक्स्ड टाइप का रिव्यू है, एक मिक्स्ड टाइप का सिनेरियो बना हुआ है। एक तरफ वो लोग हैं जो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, ऋतिक के फैंस हैं जो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है वो ऑडियंस जिनको इस पर्टिकुलर टॉपिक, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले टॉपिक से थोड़ी सी कह सकते हो कि सैचुरेशन आ चुकी है, इसी के चलते ज्यादा अच्छा रिएक्शन उनका नहीं था। लेकिन अब आप सुनो कहानी क्या है। 7 डेज की कलेक्शन वर्ल्ड वाइड की रही, पहले तो 7 डेज इंडिया नेट कलेक्शन टोटल हो चुकी है 140.5 करोड़। मैंने आपसे कहा था कि 150 का नंबर ये बहुत जल्दी क्रॉस कर जाएगी। इसके अलावा 7 डेज इंडिया ग्रॉस कलेक्शन जो है ये 168 करोड़ की हो चुकी है, करीब करीब 170 करोड़ भी कह सकते हैं हम इसको। और 7 डेज का ओवरसीज कलेक्शन जो है ये हो चुका है 72 करोड़ का। देखो, मैंने आपसे कहा था कल के दिन पर कि अगर ये कहीं ना कहीं 5 करोड़ और कर लेती है ओवरसीज मार्केट से, तो भाई 75 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। लेकिन 5 करोड़ नहीं आया है ओवरसीज मार्केट से, अपडेट होके जो नंबर आया है उसके बाद 72 करोड़ का नंबर हो चुका है। तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं 2.5 से 3 करोड़ का नंबर वर्ल्ड वाइड में चल रहा था, ठीक है, अब ओवरसीज में चल रहा था। अब अगर 7 डेज का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो भाई 240.75 करोड़ का नंबर आ चुका है फाइटर का। 240 अगर यहाँ पर हम कह रहे हैं, कहीं कहीं पर 250 करोड़ भी इसको वर्ल्ड वाइड बताया जा रहा है। तो हर जगह हर ट्रैकिंग जो भी वेबसाइट्स है सबके अलग अलग नंबर्स हैं, कहीं कहीं पर और सैटनेट से भी अंडर रिपोर्टेड नंबर्स आ रहे हैं, जिसके चलते मुझे कई लोग कह भी रहे थे कि कई जगहों पर हम लोग देख रहे हैं नंबर जो है वो उससे भी कम आ रहा है जितना आप कह रहे हो। सो इट कुड भी पॉसिबल, हो सकता है। लेकिन फिलहाल हम लोग जो भी मेन ऑफिशियल टॉप नंबर वन जिसको हम फॉलो करते हैं, मैं उसके हिसाब से आपको सारे नंबर्स बता रही हूँ। अभी एक और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का ब्रेकअप आप सुनते चलो। डे वन फाइटर, डे वन का वर्ल्ड वाइड का नंबर जो था ये था 36.04 करोड़, डे नंबर टू 64.57 करोड़, डे नंबर थ्री 56.19 करोड़, डे नंबर फोर 52.74 करोड़, डे नंबर फाइव 16.33 करोड़, डे नंबर सिक्स 14.95 करोड़, डे नंबर सेवन 11.7 करोड़, और इसी के साथ टोटल जो वर्ल्ड वाइड हो गया यहाँ पर इज 252.52 करोड़। नाउ द नेक्स्ट क्लब इज द 300 करोड़ का क्लब। जी हाँ, 300 करोड़ का क्लब, एक ऐसा क्लब जिसको एक समय पर अनअचीवेबल माना जाता था। ये माना जाता था कि कुछ गिनी चुनी चुनिंदा फिल्में ही जो है ये इस क्लब की तरफ जाती है। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो चुका है, अब पूरी कहानी पलट चुकी है। अब अगर हम बात करते हैं फिल्मों की, तो हम बात करते हैं प्रॉपर, कम से कम मतलब फिल्में, जैसे सलार जैसी फिल्म है 750 करोड़ के आसपास का नंबर वो वर्ल्ड वाइड में करके बैठी हुई है। अगर हम बात करते हैं जवान पठान की, हजार हजार करोड़ का नंबर अचीव करके बैठी हुई है, ठीक है। तो भाई मतलब ये 300 करोड़ अभी आ रहा है, ये तो कह सकते हो जस्ट शुरुआत होनी चाहिए फॉर अ फिल्म लाइक फाइटर। कितना आगे जाएगी, कितना आगे करेगी, मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि फरवरी में ज्यादा बड़ा कॉम्पिटिशन नहीं है, पूरा महीना पड़ा हुआ है फाइटर के पास। स्लो एंड स्टडी पेस पर भी अगर चलती रहती है तो भी एक बहुत अच्छे नंबर तक पहुंच जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है नेक्स्ट टारगेट जो है, और वो भी मतलब सूनर द बेटर वाला जो टारगेट है, वो है 300 करोड़ का क्लब। वो मुझे लगता है इजीली अचीवेबल लग रहा है। अब इसके बाद आपका इस सब पे क्या कुछ कहना है यार, जो भी सबके पॉइंट ऑफ व्यूज है, आई एम टेकिंग देम ऑल। सब कोई कहता है कि फिल्म जो है वो उतनी अच्छी नहीं चल रही, कोई कहता है फिल्म अच्छी चल रही, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू व्यक्त कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबको है, बट मर्यादा में रहकर, ठीक है। सो कैसा लगा है आपको ये नंबर सुनने के बाद, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।